आदर समाज न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अमित सिंह और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आगरा शहर में प्रकाश अंबेडकर साहब आए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं और वे आगरा शहर में क्यों आए, किस लिए आए, उनकी क्या वजह रही, ये बातों पर चर्चा की यहाँ के जाने माने डॉक्टर चंद्रपाल, जो कि आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो प्रकाश अम्बेडकर साहब से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने बहुत सारे बातें भी कहीं और उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर साहब का स्वागत भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। देखिए, प्रकाश अम्बेडकर साहब जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के पोते और हमारे उनके काफ़ी मित्रता भी रही। उनको हमने 84 में, आपको आश्चर्य होगा, वहाँ पर गढ़ मुक्तेश्वर में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करके लिए मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। मैं कलेक्टर था गाजियाबाद का, उससे उनकी दोस्ती है। वो प्लानिंग कमीशन में भी आते रहे, बातचीत होती रही। अभी हम बॉम्बे में गए थे तब एक दूसरे से बातचीत हुई। अभी जमायत उलेमा हिंद की मीटिंग थी, उसमें भी प्रकाश अम्बेडकर को बुलाया गया था, मैं भी था, दलितों में और कोई नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, हम लोगों ने सोचा कि हम सब लोग मिल करके मतलब भाजपा के विरोध में काम करेंगे। ये बात सही है। अब उसमें उत्तर प्रदेश का जहाँ तक संबंध है वो ये हुआ, लोगों ने ये प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि मायावती जी ने तो कुछ नहीं किया, मायावती जी की वजह से तो अब यहाँ कुछ नहीं है, बहन जी ने तो बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। दुनिया भर के लोग, अपोजिशन वाले भी तो हैं ना, तमाम लिखते हैं बातें तो लोग। और फिर वो इलेक्शन पर हार गए, मतलब 2014 में और 2017 में इनका कहीं कुछ नहीं रहा, एक भी नहीं रहा। तो लोगों में भ्रम हो गया कि अब तो मायावती जी का तो कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में। तो लोगों ने, ज़्यादातर नेता जो थे छुटवैये नहीं थे, उन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में हम जाके मीटिंग कर लें तो हो सकता है हमारा वहाँ पर सिक्का जम जाए, हमारी पॉलिटिक्स जगने लगे। तो हमको तो हंसी आती थी, हमने कहा हमने 50 साल उत्तर प्रदेश में लगाए हैं, हम तो कहीं नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। कि धन, मुझसे कहते हैं लोग, अरे साहब आप भी बौद्ध धर्म की मीटिंग बुला लीजिए, बौद्ध दीक्षा समारोह करिए। मैंने कि सारा जीवन भर बौद्ध दीक्षा समारोह ही करता रहा, उन्हीं का मुख्य अतिथि रहा हूँ। जाने कितने लोगों को बौद्ध दीक्षा, मगर तमाम जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा के लाखों वो बाँटे हैं, प्लस बौद्ध धर्म की बातें की हैं, बौद्ध धर्म का सार क्या है ये बाँटा है। मगर हर गांव में एक कम्युनिटी सेंटर हो जिसमें बौद्ध धर्म की प्रतिमा लगाई जाए, बौद्ध धर्म का प्रचार हो। और ये जो लोग जो बुला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मायावती जी के साथ में इन्होंने खूब खाया पिया है, खूब धंधा किया है, और धंधा करने के बाद ये जो है MLC बने, बाहर निकाल दिए गए। मायावती जी ने एडवाइज़र किसी दूसरे प्रदेशों का बनाया, और एक वो हैं धर्म प्रकाश भारती, निकाले हुए हैं। और निकाले हुए आदमी जो हैं आप सोच रहे हैं कि कैसे बहन जी के नज़दीक पहुँचे। ये तो एक तो मेरे सवाल दिमाग में ये है कि ये है तो अपनी शक्ति कुछ नहीं है, तो धर्म के नाम पर बौद्ध धर्म फलाना सभा और फलाना कर दिया। तो ये बौद्ध धर्म के ABCD तक तो जानते नहीं हैं, और कहेंगे हम बौद्ध धर्म के बड़े विद्वान हैं। मैंने डॉक्टर PhD डायरेक्ट डॉक्टरेट की है बुद्धिज्म पर, एंड ये चाहते हैं कि मैं जाके उनके यहाँ कथा सुनूं। तो मैंने कहा, मैंने भैया मैं नहीं आ पाऊँ, मुझे जब तक आप बौद्ध धर्म पर जो डीडिट मैंने किया है, कोई है क्या डीडिट करने वाला, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर इन बुद्धिज्म, 25 साल का बुद्धिज्म के आधार पर मैंने लिखा है, 350 पेज की थीसिस लिखी है, वो उसमें है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार क्या है। यहाँ के आगरा के लोगों को, बहुतों को मैं जानता हूँ, क्या बुद्धिज्म है, इतने सालों से चिल्लाने के बाद भी बुद्धिज्म की बात करते हैं और सोशल फंक्शंस में शराब पीते हैं। तो पहला इशू है बौद्ध धर्म का कि शराब मत पियो, एक फंडामेंटल दिया, झूठ मत करो, चोरी मत करो, किसी को मारो मत, और शराब मत पियो, एडल्ट्री मत करो। तो शराब पीना जो है नहीं छोड़ पा रहे हैं, शादी होगी लड़की की, कहेंगे बुद्ध धर्म से शादी करें, और ऊपर ले जा करके अलग से बिठा करके शराब पिलाते हैं और पीते हैं। तो ये जो है ये ढोंग है, ये बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं है, ढोंग है। उसके लिए मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए कि जो आप कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, कथनी करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हमने बौद्ध धर्म जब से शुरू किया है, शुरू से ही जब सर्विस में हमें महसूस हुआ कि हाँ ये है, तो सारे बच्चों की शादियाँ हमने बौद्ध धर्म से करी, मगर वास्तव में बौद्ध धर्म के ना हमने दहेज लिया ना दहेज दिया। तो रियलिटी है, साधारण टाइप की शादी की है, लाखों रुपया खर्च करते हैं लोग, लोहे के इधर उधर करके हमने 15-20 हज़ार में तो डेवलपमेंट, उसके लाइट की अरेंजमेंट करा था लखनऊ में, यहाँ से तमाम लोग गए थे, वो सब देखा है कि कितनी साधारण टाइप की हमने शादी की। अपने बेटों की शादी इसी तरह से बहुत साधारण टाइप की। तो वो प्रैक्टिकल तो करने को तैयार नहीं, बस ये दिखावा कर रहे हैं। अब जो प्रकाश अम्बेडकर साहब, क्योंकि वो बाबा साहब का बुद्धिज्म का संस्था है,
उसके शायद अध्यक्ष हैं, उनसे हमने कहा था, उन्होंने बोल दिया तो हमें चाहते ही हैं कि हम साथ आ जाएं, सब कुछ उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट भी किया है, मगर हमने उनसे यही कहा कि आप महाराष्ट्र में तो करिए पहले, आप उत्तर प्रदेश में आके अपने पैर पसारने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर मैंने, हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपसे कई गुना काम किया है समाज में, बौद्ध धर्म के बारे में, प्रस दलितों के बारे में, प्रस तमाम के बारे में, तो आप जो है यहाँ आ करके, एक वो है वो वहाँ मध्य प्रदेश के बरैया, वो भी बीएसपी से निकले हुए हैं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मायावती जी का साथ हो जाए, है ना, तो मायावती जी का साथ होने के लिए आइए ना, उनके साथ जाइए, अब इकट्ठे हो जाइए। हमने मायावती जी से भी कहा था कि आप जितने भी दलित लीडर्स हैं इस तरह के, उन सबको एक बार बुला लीजिए और सबसे उनकी इच्छा पूछे कि आप क्या चाहते हो, कहाँ के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो, कहाँ के क्या बनना चाहते हो, ये मैंने उनको सलाह दी है फेसबुक पर, क्योंकि ऑलरेडी तो उनसे बात हुई नहीं, न कोई बात कोई करता है, हमसे ये कहते रहते, अरे सर चलिए मैं आपको बहन जी से बड़ा कहता हूँ, मैं बहन जी से बड़ा, मैं तुम हो कौन है, तुम जितना तुम जानते हो बहन जी को, उससे ज़्यादा मैं बहन जी को जानता हूँ, तो इसलिए मैं मिलूँगा तो वो कहेंगे तो मिलूँगा, ऐसे थोड़ी मैं मिलने जा रहा हूँ किसी से कि चलो आप बहन जी बुला रही हैं तो चलो, वो कहे कि हाँ आइए बात करेंगे तो करिए, अगर वो इम्पोर्टेंस समझती हैं हमारे, नहीं तो हम ठीक है, हमें समाज ने नकार दिया है, आगरा के लोगों ने नकार दिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन है, उनको जहाँ जो अच्छा लगे उसके साथ जाएं, या प्रकाश अम्बेडकर साहब आए उनके साथ जाना चाहते हैं, यहाँ से गए अटल लोग या दलित लोग जाएं, आराम से जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे भाई हैं वो, और मैंने उनसे कह चुके हूँ कि मुझे खुशी होगी कोई भी आके करे, बरैया साहब हैं उनको भी एक बार लोगों ने बुलाया, मैंने यहाँ ठीक है, मध्य प्रदेश में तो अपना तूति बना नहीं पाए, वो हमने कहा उनके साथ आ जाओ, तुम बहन जी के निकाले हुए तो उनके बाद दोबारा आ जाओ, पैर में छू लो, आप आ जाओ मजबूत करो, वो तो सब सुनेगा नहीं, इंडिविजुअली सोच रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के लीडर बन जाएं, तो मैं कहता हूँ ये हवा में खेलो, यहाँ के लोग हमारे समाज के लोग दलित लोग बड़े होशियार हैं, वो सब इन बातों से तुम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, अपने अपना प्रदेश देखो और वहाँ पर भी मायावती जी को बुलाओ, आंदोलन कराओ, तभी आगे तेज होगा, यही हमारी राय है। यहाँ के जो बुद्ध के अनुकरण करने वाले हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरह से, एक साल से नहीं है 2500 साल से मैं आके यहाँ पर प्रवचन दिए हैं, इनको बताया है, और वो सब है, सब बीएसपी में चले गए, किसी ने निकाल दिया वो अलग से बुद्ध चलाने लगता है, अपनी शक्ति दिखाना चाहता है कि हम शक्ति दिखा रहे हैं, और इसी चक्कर में धन भी इकट्ठा करते हैं, एक वर्ग में अच्छी बात है कि ठीक है आप कम से कम धन इकट्ठा करके दिखा करके कुछ बुद्ध का प्रचार तो कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, हमें इसमें बुराई नहीं मानते, मगर व्यवहारिकता में भी तो बुद्ध की बात करना शुरू करें। अब जैसे यहाँ पर कभी नहीं आता था आगरा में ये जो क्या नाम है अपना गणेश जी का, अब उन्होंने आरएसएस वालों ने किसी ने पैसा दे दिया उनको, लड़कों को हर मोहल्ले मोहल्ले में बप्पा मौर्या खूब होली खेली जा रही है, खूब शराब पी के नाचा जा रहा है, तो काहे का प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव उस तरह का पड़े, अपना चरित्र तो बताइए, अपने भी तो एक्चुअल तो करिए, मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूँ भैया मैं इतने सालों तक कर चुका था, जब उस समय लोग नहीं प्रभावित हुए, अभी भी नहीं है, तो मैं किसको कहाँ बुलाऊँ, क्यों बुलाऊँ, मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं इकट्ठा करूँ, मैंने किसी से मांगा नहीं, ना मैं मांगूंगा, मरते दम तक किसी से रुपया नहीं मांगूंगा, ना मुझे ज़रूरत है, मैं अपनी पैसे तनख्वाह में से निकाल के, पेंशन में से निकाल के 50% अलग रख देता हूँ, उसी से थोड़ा बहुत इधर जाना उधर जाना जो बुलाता है मैं चला जाता हूँ। अब यहाँ भीमनगरी को हमने एक ही बार में प्राइम मिनिस्टर बीपी सिंह को बुलाया, देवगौड़ा साहब को बुलाया, इसके स्टेटस बढ़ा दिया, अब वहाँ के लोगों को लगा कि ये तो हमारी कामधेनु बन गई है भीमनगरी, तो कामधेनु को वो अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है हमको बुलाना भी नहीं चाहते, मत बुलाओ भैया, तो तमाम दूसरे लोग बुला रहे हैं, हरियाणा के लोग बुलाएंगे, 14 अप्रैल में कह रहे हैं पहले से एडवांस कर रखा है, गाजियाबाद के अलग अपने पीछे पड़े हुए, तो अपनी जगह तो दुनिया भर के, भारत में दुनिया भर के जगह है जहाँ पर हमारी इज्जत होती है, बुलाना चाहते हैं, तो आगरा के लोगों को पछतावा होगा बाद में कि हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है अपने समाज का, और नहीं तो हम आगरा को जाने के लोग अपने लोगों को स्पेशली जो शोषण हो रहा है उसको कहाँ से कहाँ दूर कर सकते थे और इनको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते थे। जय भीम जय भारत।